एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। ये वीडियो ज्यादातर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं और मैं बार बार सवाल का जवाब दे दे के थक जाता हूं, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि मैं इस वीडियो के थ्रू उन सब लोगों को बता सकूं कि हम एक मशीन में कितने ग्राम तक पैकिंग कर सकते हैं और हमें अगर एक ग्राम से एक किलो तक की पैकिंग करनी है तो हमें कितनी मशीनों की जरूरत होगी। क्योंकि ज्यादातर लोग जब मेरे पास पैकिंग मशीन लेने के लिए आते हैं तो वो ये सवाल करते हैं कि मुझे एक ग्राम से लेके एक किलो तक एक ही मशीन में पैक करनी है। तो मैं आपको सीधे और एकदम साधारण सब शब्दों में बता दूं कि एक मशीन में आप 10 ग्राम तक कर सकते हैं, दूसरी मशीन में 10 से 50 ग्राम तक कर सकते हैं, तीसरी मशीन में 50 से 100 ग्राम तक कर सकते हैं और चौथी मशीन में 100 ग्राम से 200 ग्राम तक कर सकते हैं। उससे ऊपर जब आपको जाना होगा तो फिर वही न्यूमेटिक मशीन लेनी पड़ेगी, उसमें आप 250 ग्राम तक कर सकते हैं, 500 ग्राम तक कर सकते हैं। उससे ऊपर कॉलर टाइप मशीन आती है, उसमें आप 2 किलो तक कर सकते हैं। और फिर अगर उससे ऊपर भी आपको जाना है तो फिर लोड सेल मशीन आती है, उसमें आप 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो जितना मर्जी कर सकते हैं। तो मैं आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि हम एक मशीन में क्यों 1 से 10 ग्राम तक कर सकते हैं, दूसरी में 10 से 50 ग्राम तक कर सकते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी आप 1 ग्राम या 2 ग्राम या 5 ग्राम की पैकिंग करते हो तो आपके रैपर का साइज छोटा होता है, लेकिन जैसे ही आप 10 से ऊपर जाते हो, 10 से 50 ग्राम, तो आपके रैपर का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आप छोटे रैपर को और बड़े रैपर को अगर एक ही मशीन में पैक करेंगे तो एक तो आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, और जितनी बार आप सेटिंग चेंज करेंगे आपका बहुत सारा मटेरियल वेस्ट होगा, क्योंकि आपको हर बार आपको अपने पैकेट को आई मार्क पे सेट करना होता है और आई मार्क पे सेट करते समय आपका जो रैपिंग मटेरियल होता है वो वेस्ट होता है, क्योंकि एकदम से वो सेटिंग आपकी हो नहीं पाती है, वो कंटिन्यू आपको मशीन रन करना पड़ता है। और रन करते समय आपका कभी 100 मटेरियल खराब होगा, कभी 200 रैपर खराब होगा, कभी 500 रैपर खराब होगा। तो आप खुद कैलकुलेशन लगाइए कि आप एक मशीन में अगर 4 सेटिंग या 5 सेटिंग कर रहे हैं तो आपका मटेरियल कितने का वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए हमने ये 3-4 कैटेगरी बनाई है मशीनों की, क्योंकि आप मशीन तो ले लेते हैं आप जब भी, क्योंकि आप नए हैं, आपको ये नहीं पता है कि आपको एक मशीन में कितनी पैकिंग कैसे कर सकते हैं, आपको क्या क्या परेशानी होगी। वो आप तब फेस करोगे जब आप मशीन लेके अपने घर चले जाओगे और काम स्टार्ट करोगे। आपको स्टार्टिंग में जो जैसे गाइड करेगा आप उस पर चलोगे। तो इसलिए मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूं कि एक मशीन में आप 10 ग्राम तक करिए, दूसरे में 10 से 50 ग्राम तक करिए, क्योंकि मशीन आप ले तो लेते हैं 10 सेटिंग 20 सेटिंग के साथ, लेकिन वो चलती नहीं है, आपकी एक सेटिंग भी नहीं चलती है। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि आप एक मशीन में क्यों 1 या 2 सेटिंग आपको लेना है और आपको काम स्टार्ट करना है, क्योंकि आप 10 सेटिंग 20 सेटिंग अगर आप लेते हैं एक मशीन के अंदर तो एक तो आपको हर बार जब भी आप सेटिंग बदलोगे, जितनी बार आप सेटिंग चेंज करोगे 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे आपका बर्बाद होगा। अगर आप दिन में 2-3 सेटिंग बदलते हैं तो आपके 8 घंटे 10 घंटे तो वैसे ही चले जाते, आप पैकिंग कब करोगे। दूसरी बात, मशीन जो है वो क्यों आपको 1 सेटिंग या 2 सेटिंग के साथ रखना चाहिए। वो इसलिए रखना चाहिए क्योंकि आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो भी कॉस्टली होता है। आपको एक मटेरियल लगभग 30 पैसे 35 पैसे का पड़ता है। अगर आप 100, 200, 500, 1000 रैपर रोज वेस्ट कर रहे हो तो आप कैलकुलेशन निकालिए कि आपकी मशीन जो कि आपने एक 55,000 की खरीदी है, दूसरी 65,000 की खरीदी है, लगभग 1,30,000 के अंदर आपको दोनों मशीन मिल गई। अगर आप एक मशीन में 5 सेटिंग ले लेते हैं, आपको कोई मैन्युफैक्चरर 1,00,000 रुपए की मशीन दे देता है 5 सेटिंग के साथ, आप 5 सेटिंग बार बार बदलते हो, आपका मटेरियल वेस्ट होता है। आप 1,20,000 में 2 मशीन आपने लगाया और दोनों को सेपरेट चला रहे हो बिना किसी परेशानी के। एक मशीन है जो कि आप लगातार दिन में 2 बार 3 बार चेंज कर रहे हो, मटेरियल भी वेस्ट हो रहा है। आप मंथ के लास्ट में बैठिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा आपने कितना कमाया है और कितना गंवाया है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारा जो काम है, हम मशीनें देते हैं, मशीन के साथ हम चाहते हैं कि आपका काम बिल्कुल बिना टेंशन के स्टार्ट हो। आप मशीन के साथ उलझे रहेंगे तो आप मार्केटिंग कब करेंगे और अपना प्रोडक्ट मार्केट में बिना झिझक निकालेंगे कैसे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जो भी आप कभी भी पैकेट जो आपको पैकिंग करनी है, आप पहले ये देख लीजिए कि आपको कितने ग्राम एग्जैक्ट करना है पैक।
यह देखने के बाद आपको मशीन की तरफ बढ़ना है कि मुझे 1 से 10 ग्राम तक करना है या 10 से 50 करना है, 50 से 100 करना है या 100 ग्राम 200 ग्राम करना है, जो भी ग्राम आपको पैक करना है पहले आपको वो डिसाइड करना है। वो डिसाइड करने के बाद आपको किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाना है, उनको बताना है कि मुझे इतने ग्राम से इतने ग्राम की मशीन आप दे दीजिए। आपको वो अगर ये बोलता है कि 1 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक मैं एक ही मशीन में दे दूंगा, तो आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, उसको सिर्फ आपको मशीन बेचना है, मशीन चलवाना नहीं है, क्योंकि 1 से 200 ग्राम तक एक मशीन में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। टेक्निकल रीज़न है, जब आप हमारे प्लांट पर विजिट करोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों 1 से लेकर 200 ग्राम तक एक मशीन में नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें डिस्क लगा होता है, डिस्क में बोर होता है, 1 ग्राम में मटेरियल इतना होता है, 200 ग्राम में मटेरियल इतना होता है, आप एक ही डिस्क में इतना छोटा कप और इतना बड़ा कप कैसे लगा सकते हैं? ये कप का जो भी है ये आपके समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मशीन आपके सामने नहीं है, लेकिन जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको लाइव डेमो दूंगा कि क्यों नहीं हो सकता। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, आपको इसी तरह की कोई जानकारी दूंगा। तो अपने दिमाग में एक माइंडसेट बनाइए कि आपको कितने ग्राम पैक करना है और कितनी मशीनें मैक्स मिनिमम लगेंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे नंबर दिया गया, उस नंबर पर संपर्क करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।